वेलकम टू आवर चैनल के आर के फूड मैजिक ब्लॉग्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो आज हम अपने एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे बनाने वाले हैं इडली सांभर। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं और मिलते हैं किचन में रेसिपी के साथ। तो आइए हम सबसे पहले इडली का बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ उड़द का दाल लिया हुआ है 150 ग्राम, यहाँ है उसना चावल 250 ग्राम, इसे हमने 7 से 8 घंटे पानी में भिगो के रख दिया था। तो चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। आइए अब हम इसे देखते हैं। देखिए ये थोड़ा सूखा है, इसमें हम थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे। अब ये हो चुका है, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसे ही रखनी है। इसे अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसे हम थोड़े बड़े बर्तन में ही रखेंगे क्योंकि इसमें खमीर पड़ता है तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। हमने सारे चावल को पीस लिया है, ऐसे ही हम दाल को भी पीस लेंगे। अब इसे भी हमने पीस लिया है, इसे अब हम चावल के घोल में ही मिक्स कर देंगे। इसमें अब हम थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे, इससे खमीर बनने में हेल्प मिलता है। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसे ढक करके रात भर के लिए या फिर 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसमें अच्छे से खमीर पड़ जाए। देखिए अब इसमें बहुत अच्छे से खमीर पड़ चुका है और ये लगभग दुगना हो चुका है। बिल्कुल फेंट टाइप का हो गया है ये। चलिए तब सबसे पहले हम इसका सांभर तैयार कर लेते हैं, फिर इसे बनाएंगे। सांभर के लिए हमने यहाँ 5-6 तरह की सब्जियाँ ले ली हैं। यहाँ है लौकी, बैंगन, भिंडी, परवल, आलू, यहाँ है प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, सब हमने थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ले लिया है। आप चाहे तो कुछ और एक्स्ट्रा सब्जी भी ऐड कर सकते हैं। यह हमने लिया हुआ है अरहर का दाल 1 कप है, इसे हमने भिगो के रख दिया है। यहाँ है सांभर का मसाला 2 से 3 चम्मच, नमक और यहाँ है 1 छोटी चम्मच हल्दी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने यहाँ कुकर में 2 से 3 चम्मच तेल डाल के चढ़ा लिया है। तेल गर्म होने पर हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। फिर प्याज, इसे हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम सारी सब्जियों को रख देंगे एक एक करके। ये सांभर बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं होता। इसे हम अच्छे से मिलाएंगे पहले। 1 से 2 मिनट चलाने के बाद अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। फिर नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, सांभर मसाला, इसे हम अच्छे से अब फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे, इसे अब हम मिला लेंगे। अब इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे।
पानी ऐड करने के बाद अब हम इसके ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे मीडियम आंच पे 10 से 15 सीटी लगवाएंगे। 10 से 15 सीटी लगाने के बाद हमने गैस बंद कर दिया है। अब कुकर का हवा भी निकल चुका है, चलिए इसे खोल के देखते हैं। देखिए अब हम इसका तड़का लगा लेते हैं। हमने यहाँ एक कढ़ाई चढ़ा लिया है, इसमें अब हम तेल रखेंगे थोड़ा सा, इसे गर्म होने देंगे थोड़ा। तेल गर्म होने के बाद इसमें अब हम थोड़ी सी काली सरसों के दाने डालेंगे, 7 से 8 कड़ी के पत्ते, थोड़ी सी हींग। अब हम इसमें सांभर रख देंगे। इसे अच्छे से अब हम मिला लेंगे। इसमें अब हम इमली का रस रखेंगे। इमली को हमने फुला के 5 से 10 मिनट उसका रस निकाल लिया है, इसे भी मिला लेंगे। देखिए चूंकि अभी ये थोड़ा गाढ़ा है इसलिए इसमें हम पानी ऐड करेंगे। और इसे 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। देखिए अब इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है और ये पूरी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। और गैस बंद कर लेंगे। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। आइए अब हम चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ 100 ग्राम बादाम लिया हुआ है और यहाँ है नारियल, ये आधे नारियल है। आप चाहे तो इसके बदले गिरिगोला का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बादाम को अच्छे से रोस्ट करेंगे। देखिए अभी अच्छे से रोस्ट हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। कढ़ाई में अब हम थोड़ी सी तेल रखेंगे। इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें नारियल को फ्राई कर लेंगे थोड़ा। इसे हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए ये अब अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। इसे अब हम ठंडा होने देंगे और इसके छिलकों को हम अलग कर लेंगे इस तरह से। देखिए हमने इसके छिलके को अच्छे से हटा लिया है और ये भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। देखते हैं इसे, देखिए ये बहुत ड्राई है अभी। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब ये हो चुका है, इसे देखते हैं। देखिए ये अच्छे से हो चुका है, इसे अब हम निकाल लेते हैं। इसी जार में अब हम नारियल को भी पीस लेंगे। इसे देखते हैं ये ड्राई है, इसमें भी हम पानी ऐड करेंगे। चम्मच से मिला लेंगे एक बार। ये अब हो चुका है, इसे देखते हैं। देखिए
इसे भी अब हम निकाल लेंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे। इसमें अब हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, इसे मिला लेंगे। आइए अब हम इसका तड़का लगाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ कढ़ाई चढ़ा लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल रखेंगे, इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इसमें हम काली सरसों के दाने डालेंगे, 8 से 10 कड़ी के पत्ते, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे इसमें डाल देंगे। और इसे अच्छे से हिला लेंगे। अब हमारी चटनी भी बिल्कुल तैयार है, तो आइए अब हम इडली बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें इडली स्टैंड में ऑयल लगा लेना है अच्छे से। हमने ऑयल को अच्छे से लगा लिया है, अब हम इसमें इस बैटर को रखेंगे। हमने बैटर को इडली स्टैंड में रख दिया है और यहाँ हमने स्टैंड में पानी डाल के उसे गर्म भी कर लिया है। अब हम इसे रख देंगे उसमें। इसके ढक्कन को लगा देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। अब हमने गैस बंद कर दिया है और ये थोड़ा ठंडा भी हो चुका है, इसे अब हम खोलते हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हमारा इडली सांभर और चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा खाने में। देखिए ये बहुत ही स्पंजी तैयार हुआ है। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। Thank you.